पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर ब्रह्म समाज, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज आदि की स्थापना करने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। ये धार्मिक कर्मकांडों और समाज में फैली विडंबनाओं का घोर विरोधी थे, और एक बार इन्हीं विडंबनाओं में से सती प्रथा को लेकर पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच बहस हो गई। पंडित तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा साहब सती प्रथा के विरोधी थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगीरा ने कहा है कि जो इससे स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। फिर राजा साहब ने कहा कि मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल एवं सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। फिर पंडित तर्कालंकार ने यह बात कहा कि यह बात तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, पर हमारे देश में ऐसा करना बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होना ही चाहिए। फिर राजा साहब ने कहा, सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई है, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है, क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का घोर विरोध करते हैं, वैसे ही सती प्रथा भी एक स्त्री हत्या है। यह एक अमानवीय अपराध है और इसे बंद करना ही चाहिए। और राजा साहब की कोशिशों के कारण ही लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया।